कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहती हो कि हम तुम्हें जलाना चाहते हैं? जब तक ये लड़की अधिराज का पीछा नहीं छोड़ती, हमारा विवाह होने से रहा। उस लड़की से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए मुझे, फिर देखते हैं इस समस्या का क्या समाधान निकलता है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कितना स्वादिष्ट भोजन है, ऐसा भोजन तो हमने कभी नहीं खाया। जाओ जाकर के महल की सफाई करो पूरी। पता नहीं कैसा अजीब महल है, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। कर लेने दो इससे जी भर के सफाई, बहुत जल्द चंद्रलेखा इसका सफाया कर देगी। यह तो कुछ भी नहीं है, फर्श आग की तरह क्यों जल रहा है? अब मैं अपनी तपस्या और साधना से इन नौ ग्रहों की दिशा और दशा इस प्रकार बदलूंगी कि उसमें उस असाधारण और अशुभ मुहूर्त की उत्पत्ति होगी जिसमें अधिराज और कनक का विवाह होगा और उनकी संतान मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा चंद्रलेखा, तुम धैर्य रखो, हो सकता है उस लड़की की मृत्यु आने वाली हो और ये सब उसी का प्रभाव हो। तुम चिंता मत करो चंद्रलेखा, देख लेना कनक बहुत जल्दी एक अच्छी खुशखबरी लेकर आती होंगी। ये हमारी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? हम उस कोयले की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। स्वराज स्वराज, हमें इसे रोकना होगा। अगर उसे शक हो गया तो रानी माँ हमें मार डालेंगी। तुम घबराओ मत, तुम कोशिश करती रहो, मैं जाके इस अधिराज का ध्यान भटकाता हूँ। इसे क्या हुआ है और ये यहाँ कर क्या रही है? मैं रानी माँ को क्या जवाब दूंगी? कैसे बताऊंगी उन्हें कि लड़की कैसे फिर से बच गई? चंद्रलेखा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम चिंता मत करो, देख लेना जीत तुम्हारी होगी। देखो मैं फिर से ये हवन कुंड प्रज्वलित करने की कोशिश करती हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो। अभी तक तो तुम हमें बहुत ज्ञान दे रही थी, पर अब एकदम बोलती बंद। नाटक कर रही हो क्या? आग, आग, आग? कहाँ है आग? कैसी आग? आजकल खुली आंखों से सपने देखती हो क्या? सपना नहीं, सच कह रही हूँ। यहाँ फर्श पर हर तरफ आग है। अरे हाँ,
अच्छा तो सच में आ गए। अब हम समझे, वो सही कहते हैं कि काम चोर काम ना करने के बहाना ढूंढ ही लेता है। तो तुमने आग का बहाना ढूंढ लिया, पर एक बात समझ में नहीं आई हमें, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, ये सारे दर्द छोड़कर तुमने ये आग का बहाना कैसे ढूंढा? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ फर्श पर हर तरफ आग थी। अच्छा, मेरे पैर भी जल रहे थे। तुम यहाँ आए, तुम्हारे पैर नहीं चले? बस बस बस, जब देखो कहानियां बनाकर बैठ जाती हो। इधर देखो, यहाँ आग दिख रही तुम्हें ना? यहाँ पर गर्माहट है ना, यहाँ पर धुआं है। तो आग कहां से आई बताओ? हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहती हो कि हम तुम्हें जलाना चाहते हैं? अभी तो मेरी बात पर विश्वास करो, मैं चल रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर कोई नहीं आया। फिर मैंने अम्मे माँ को पुकारा और तुम आए। हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हम शिकार करने जा रहे थे, और वैसे भी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी इन बिन सर पैर की बातें सुनने में, समझी? मैं सच कह रही हूँ। यतिराज एक तो साफत को लेकर महल में आ गया, ऊपर से जब भी हम इसे मारने की कोशिश करते हैं बीच में आ जाता है। तुमने इसे क्यों रोका? मैंने उसे नहीं बल्कि तुम्हें बचाया, वरना तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाती। और इतना तो तय है कि अधिराज किसी चुड़ैल से विवाह नहीं करता। वैसे भी जब तक ये लड़की अधिराज का पीछा नहीं छोड़ती, हमारा विवाह होने से रहा। कोई है यहाँ पर? कहाँ गए सबके सब? मुझे नहीं पता ये सब कैसे। कैसे नहीं पता, क्या कर रही थी तुम? वो लड़की ने मेरी साधना असफल कर दी है और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था ना मैंने। चंद्रलेखा शांत हो जाओ। चंद्रलेखा, मैं जानती हूँ कनक को उस लड़की को प्रार्थना करने से रोकना चाहिए था, पर समझो एक बच्ची है, बस गलती हो गई, उसे माफ कर दो। गलती? ये गलती नहीं, अपराध है मंदाकिनी, क्योंकि गलतियां अगर दोहराई जाए तो वो अपराध कहलाता है, और इसे इसके अपराध की सजा मिलकर रहेगी। सोच लिया है मैंने, ना रहेगी तुम्हारी बेटी, ना होगा उसका विवाह, ना होगा मेरा सपना पूरा। बार बार असफल होने से अच्छा है मैं एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दूं, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। स्वराज, 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 मेरे वार के बीच में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? आज भूल जाऊंगी मैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन मैं नहीं भूला कि आप मेरी मां जैसी हैं माजी। हाँ, मेरी मासी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है, और मैं उनके सुंदर चेहरे को क्रोध की आग में झुलसते नहीं देख सकता। अगर इसके लिए आपको मुझे मृत्यु दंड देना है तो दे दीजिए, लेकिन देखिए खुद को, देखिए कैसे आपके चेहरे पे ये रेखाएं दिखने लगी हैं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका क्रोध है मासी। इसलिए कह रहा हूं कि शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं स्वराज? समय बीतता जा रहा है और वो लड़की मुझे मेरी साधना में सफल होने नहीं दे रही है। मेरे साथ फिर भी तुम सब हो, लेकिन वो बिल्कुल अकेली है, फिर भी मैं उसे जीत नहीं पा रही हूँ। न जाने उसके पास कौन सा जादू है जिसे अधिराज पर चला रही है,
और हम सबकी शक्तियां भी कम कर रही है। पहले तो इसे देखकर लगता था शकल से इतनी भोली और जबान से इतनी तीखी, और अब इसे देखकर लगता है शकल से इतनी भोली और जबान से छोटी, कुछ भी बोलती है। तुम्हारा पैर तो सच में जल गया। वही तो मैं कह रही थी तब से कि वहाँ आग थी, पर तुम्हें मेरी हर बात झूठी लगती है। इसका मतलब ये सच कह रही थी, पर हमें तो वहाँ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है, मैं अभी जाकर माँ को बताता हूँ। अधिराज कहाँ है? उसे हमारी किसी भी चाल के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना मेरी 21 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें पता लगाना ही होगा कि वो लड़की कौन है, क्या है और उसके पास कौन सी शक्ति है। स्वराज, जाओ उस लड़की से जुड़ी हर खबर लेकर आओ। मुझे उसके जन्म, बचपन, माता पिता, घर, कुल, खानदान, हर चीज के बारे में खबर चाहिए। उस लड़की से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए मुझे। फिर देखते हैं इस समस्या का क्या समाधान निकलता है। माँ, जब भी मैं कोई बड़ा काम करने जा रही होती हूँ, ये लड़का माँ माँ करके टपक पड़ता है। स्वराज, जाओ जाकर वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें दिया है। कनक, मंदाकिनी, जल्दी से मेरा कक्ष ठीक कर दो और पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ तुम दोनों। कहने के लिए तो ठीक है, मगर कुछ चिंताएं हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। चिंताएं? कैसी चिंताएं? एक माँ को उसकी संतान की चिंता सताती रहती है, हमें भी आपके और कनक के विवाह की चिंता सताती रहती है। आप परेशान मत होइए माँ, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत का क्या है? जब से उस अशुभ लड़की ने इस महल में कदम रखा है, कुछ भी तो ठीक नहीं है यहाँ। हाँ, वो लड़की हमें बड़ी अजीब सी लगती है। पता वो हमसे क्या कह रही थी कि महल के फर्श में आ गए और उसके पैर बुरी तरीके से जल रहे हैं, पर हमने देखा तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। तभी तो हम कहते हैं कि गांव के लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने में माहिर होते हैं। दूर रहिए आप उस लड़की से, और ये आग वाग उस लड़की का इस महल से भागने का बहाना है। नहीं माँ, पहले हमें भी ऐसा ही लगा था, पर जब हमारी नजरें उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पैर सच में बुरी तरीके से जल गए थे।
वो सच कह रही थी माँ। जो लड़की हमारे भोजन में जहर मिला सकती है वो हम सबको फंसाने के लिए खुद के पैर नहीं चला सकती। ये सब उसी ने किया होगा अधिराज। वो फैंटेसी अपने कक्ष में होंगे क्या? क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस हमने यूं ही पूछ लिया आपसे। आप ध्यान रखिए अपना। तुम उसी से झूठ बोल रहे हो जिसने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया। डाकनी हूं मैं, जुबान खींचकर सच्चाई उगलवा लेती हूँ। देखती हूँ कब तक बचाते हो तुम उस लड़की को। तुम इंसान नहीं हो, देखा मैंने, तुम कोई मायावी शक्ति हो। मैं अभी जाके सबको बताता हूं। क्या बताओगे? यही कि तुम इंसान नहीं हो। वो तो मैं नहीं हूं और ये एक राज की बात है, और हम अपना राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लेप अपने पैरों पर लगा लो, राजकुमार ने भेजा है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे राजकुमार का कोई एहसान। और इसे नहीं लगाओगी तो सच में मर जाओगी। ना 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 ना, हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने भी नहीं देना चाहते, समझी? तो फिर क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो? ना चैन से जीने दे रहे हो, ना ही मरने दे रहे हो, चाहते क्या हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। सुनो, वैसे तो हमारे यहाँ पर दास दासियों को इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, पर हम तुम्हें दे देते। तुम आज यहाँ पर रहकर आराम कर सकती पूरा दिन, पर सिर्फ आज के लिए। मुझे घर जाना है, अपनी नानी के पास। मुझे जाने दो यहाँ से। सुनो, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिसका थोड़े दिन पहले विवाह होने वाला था और उसे मंडप से कोई भगा ले गया था? हाँ हाँ, वही जिसे वो घुड़सवार उठा ले गया था। हाँ, कहाँ है उसका घर? वो हमें नहीं पता, अगर पता भी होता तो हम तुम्हें क्यों बताएं? चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जासूसी करने के लिए। उससे पूछता हूँ।
किस बात का रोना रो रही हो? तुम तो खुशी मनाओ, हमारे बेटे ने यानी युवराज अधिराज ने तुम्हारे पैर में दबा लगाई। हमारे मना करने के बावजूद तुम्हें इस मूर्ति को यहां रखने की अनुमति दी। उसने पहली बार अपनी मां की बात का मान नहीं रखा। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से, यही चाहती थी ना तुम? अगर आप मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, पर नमक भी मत छिड़के, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। तुम्हें हम क्या मूर्ख लगते हैं? तुम पहले रसोई में घुसी, फिर हमारे बेटे के कक्ष में, अब क्या उसके हृदय में घुसना चाहती हो? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे बस अपने घर जाना, अपनी नानी के पास। मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दें? अभी तो तुमसे तुम्हारी एक एक गलती का हिसाब लेना बाकी है। तुम्हारी वजह से हमने जितना सहा है वो सब तुम्हें भी तो भुगतना होगा। चंद्रलेखा किसी का उधार नहीं रखती। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। यही तुम्हारी औकात है और स्थान भी, हमारे कदमों के नीचे। तुम्हें हम खत्म कर देंगे लेकिन इस महल से बाहर तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर तुम्हारी ये अकड़ और इस अम्बे माँ में तुम्हारा ये विश्वास, इसे हमने चूर चूर नहीं कर दिया तो चंद्रलेखा हमारा नाम नहीं। तो नया नाम सोच लीजिए, जरूरत पड़ेगी आपको। Mangalaya Narohari।